नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो मैंने सिलाई में 18 फंदे डाले हैं। अब बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे हमें सीधे ही बुनने होंगे। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम दो लाइन सीधा सीधा बुनेंगे, सामने से भी सीधा और रॉन्ग साइड से भी सीधा। दो लाइन बुनने के बाद अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया। अब सभी फंदे हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। हम दो बार ऊन लपेटेंगे और सीधा बुन लेंगे, दो बार ऊन लपेटेंगे और सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम सभी फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए और ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारा चौथा लाइन है। तो 6 फंदों को हम खोलेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, और ऊन को देखिए पीछे की तरफ है। अब हम घुमा के सामने की तरफ लाएंगे और फिर वापस घुमा के अपनी तरफ, ये एक राउंड हो गया। फिर हम ऐसे ही घुमाएंगे और दो राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा दो बार ये धागा इन 6 फंदों के चारों तरफ घूम गया। अब अगले 6 फंदे हम खोलेंगे और फिर थ्रेड को इन 6 फंदों के चारों तरफ घुमाएंगे। 6 फंदों को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे, थ्रेड को वापस अपनी तरफ, फिर इन 6 फंदों को दाहिनी सिलाई में, थ्रेड को दूसरी तरफ, 6 फंदों को वापस बाईं सिलाई में और थ्रेड को अपने तरफ। अब फिर 6 फंदों को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। तो देखिए ये धागा हमारा दो बार इन 6 फंदों के दो बार घूम गया है। देखिए दो राउंड इसने इन 6 फंदों को दो राउंड इसने कवर कर लिया है, 1 और 2। अब अगले 6 फंदे हम खोलेंगे और इन 6 फंदों के चारों तरफ भी हमें थ्रेड को घुमाना है। एक बार घुमाया, बाईं सिलाई में इन्हें हम ले लेंगे, थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, फिर फंदों को दाहिनी सिलाई में, थ्रेड को फिर घुमाकर पीछे ले जाएंगे, फंदों को बाईं सिलाई में लेंगे और थ्रेड को वापस अपनी तरफ। तो ये हमारे धागा दो बार घूम गया। अब फिर हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा पांचवा लाइन है। अब हम प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पांचवी लाइन में हम प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधा बुन लेंगे। और छठी लाइन में सभी फंदों को सीधा ही बुनेंगे। तो हमने छठी लाइन में भी सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब फिर हम
राइट साइड में है और ये हमारा सातवां लाइन है। तो अब सेकेंडरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। सीधा बुनेंगे, सिलाई में दो बार ऊन लपेटेंगे। दो बार ऊन लपेटा, सीधा बुन लिया। दो बार ऊन लपेटा, सीधा बुन लिया। तो एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन हमारा दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। तो सातवीं लाइन में हमने सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सभी फंदों को सीधा बुन लिया। और ये हमारा आठवां लाइन है। तो अब हम तीन फंदों को खोलेंगे और इन तीन फंदों के दोनों तरफ हम इन तीन फंदों को हम थ्रेड से दो राउंड कवर करेंगे। देखिए, दो राउंड हमने इसे लपेट लिया। अब अगले छह फंदों को हम खोलेंगे। चौथे लाइन में हमने छह फंदों को लपेटा था, लेकिन हम आठवें लाइन में सिर्फ तीन फंदों को लपेटेंगे, क्योंकि देखिए इसके हमें अब की हमें डिज़ाइन इन दोनों के बीच में बनाना है। तो ये तीन फंदा इस साइड हो गया। अब इस डिज़ाइन का तीन फंदा और इस डिज़ाइन का तीन फंदा हम लेंगे और छह फंदों के चारों तरफ हम धागे को घुमाएंगे। एक बार हमने घुमा लिया और ये दो बार हो गया। अब अगले छह फंदे खोलेंगे, फिर इनके चारों तरफ हम धागे को दो बार घुमाएंगे। एक हो गया और दो, तो हमने दो बार घुमा लिया। अब लास्ट में, चूंकि ये तीन फंदा हमने लिया है, तो अब लास्ट में तीन फंदा ही बचेगा, तो इसे हम खोलेंगे और इनके चारों तरफ हम थ्रेड को दो बार घुमा लेंगे। इन्हीं आठों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है और एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। बनाने में आसान और बेहद खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।